दोस्तों, मेरा नाम तनिष्क अग्रवाल है और आज हम बात करेंगे हम कैसे अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर डाल सकते हैं। इसको करने से पहले हम जानते हैं कि ऑटो पायलट मोड होता क्या है। जो प्लेन का पायलट होता है वो हर वक्त प्लेन नहीं उड़ा सकता। मान लीजिए उसकी तबीयत ख़राब है, उसको वॉशरूम जाना है, उसको सोना है, उसको आराम करना है, वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है और एरोप्लेन ऑटोमेटिकली उड़ता है। इसी तरह आप अपने बिजनेस को भी ऑटो पायलट मोड पर डाल सकते हैं और आपका बिजनेस आपके बिना जाए चलता रहेगा, बिना किसी तकलीफ, बिना किसी रुकावट के। इसको करने के सैकड़ों तरीके होते हैं, लेकिन आज हम कुछ एक तरीकों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। अगर आपने नहीं किया तो आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, ऑटो पायलट होने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको मदद कर सकती है वो है PA, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट। PA आपके हर छोटे छोटे काम करता है। मतलब आपने PA रखा नहीं, 20-25% ऑटो पायलट तो वैसे ही हो जाएंगे। आपने ये भी सुना होगा कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, MDs होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, CAs होते हैं, उनके खुद के PAs होते हैं जो उनके खुद के छोटे छोटे काम खुद करते हैं। एक होता है PA, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट, जो आपके हर ट्रिवियल और पेटी काम करने में आपकी मदद करता है। इसके बाद आता है VA, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट, जो वर्चुअली आपकी ईमेल्स एंड वेबसाइट्स को हैंडल करता है। मान लीजिए आपको दिन की 30-50 मेल्स आती है। अब इन 30-50 मेल्स को आपको खुद से हैंडल करने में 102 घंटे तो लग ही सकते हैं। इससे बेटर है कि आप एक VA रखें। ये VA आपकी हर ईमेल को खुद से रिप्लाई करेगा। आपका ये VA आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन के आने वाली क्वेरीज को खुद से रिप्लाई करता है और वो आपकी वेबसाइट को भी मेंटेन करता है। ये आपका काफ़ी टाइम सेव कर सकता है और आपको ऑटो पायलट होने में भी मदद कर सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं EA, यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स की। यूजुअली EAs गर्ल्स होती है। इनको आपके बिजनेस की नॉलेज होती है, इनके पास एक्सपीरियंस होता है, इनको काफ़ी एजुकेशन होती है कि बड़े बड़े डिसीजन कैसे लिए जा सकते हैं। इनको आपके बिजनेस के बड़े बड़े डिसीजन लेने की पावर और अथॉरिटी दी गई होती है। इनकी एनुअल सैलरी 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख से लेकर 20 लाख तक भी हो सकती है। तो अगर आप अपने बड़े बड़े डिसीजंस को डेलीगेट करना चाहते हैं, जब आप इंडिया के बाहर हैं, आप ट्रिप्स पर गए हैं, मीटिंग्स में हैं या फैमिली के पास बिजी हैं, तो आप एक EA रख सकते हैं। EA रखने से भी आप काफ़ी हद तक ऑटो पायलट हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बोला EA के लिए, मैं तो ये बोलूँगा कि आपकी PA हो, VA हो, EA हो, वो प्रेफरेबली गर्ल्स ही होनी चाहिए। गर्ल्स जो होती है वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, ज़्यादा डेडिकेटेड होती है और ज़्यादा ऑनेस्ट होती है और आपके पास सालों साल टिक कर काम करती है। इन PAs को, VAs को, EAs को आपको काफ़ी हद तक आपके अपने बिजनेस की इनसाइडर नॉलेज देनी होती है, जो फ्यूचर में आपके अगेंस्ट भी यूज़ की जा सकती है और ये लोग आपका बिजनेस भी टेक ओवर कर सकते हैं, आपका बिजनेस रिस्क पर आ सकता है। इसलिए आपकी PA और VA गर्ल्स ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगली चीज़ जो आपको ऑटो पायलट होने में मदद कर सकती है वो एक कस्टमर केयर। ये कस्टमर केयर यूजली सिट डाउन होता है और ये आपके ऑफिस से ही ऑपरेट करता है। ये कस्टमर्स को आने वाली हर एक प्रॉब्लम को टैकल करता है और उनको बिल्कुल सही सोल्यूशन देता है कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करवा सकते हैं या फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि ये यूजुअली गर्ल्स होनी चाहिए, बिकॉज गर्ल्स ज़्यादा ऑनेस्टली उन चीज़ों को टैकल करती हैं। मान लीजिए आपके जो सारे कस्टमर्स होते हैं उनमें से 100 कस्टमर्स को प्रॉब्लम है, उनमें से 85% कस्टमर्स तो आपको अपनी प्रॉब्लम बताते ही नहीं है और वो आपसे प्रोडक्ट खरीदना ही बंद कर देते हैं। बट जो 15% कस्टमर्स आपको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, उनको टैकल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं तो फ्यूचर में आपके रेपिटेटिव कस्टमर्स बन जाएंगे और ये आपका गुडविल और आपकी ब्रांड नेम इस्टेब्लिश करने में भी आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। अगर आप इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को खुद टैकल करते हैं तो आपका सारा टाइम इन्हीं चीज़ों में निकल जाएगा और आप मेजर टास्क पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में कन्वर्ट करना है तो कस्टमर केयर का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अभी हमने कस्टमर केयर की बात करी, अब हम करेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स की बात। तो देखिए, नाम के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। सबसे पहले ये लोग सेल्स एंड मार्केटिंग करने में आपकी हेल्प करते हैं एंड ये लोग ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो आपके ऑफिस के अंदर ही सिट डाउन होते हैं और आपके ऑफिस से ही ऑपरेट करते हैं। आज की डेट में ज़्यादातर बिजनेस जो है वो इंटरनेट के थ्रू मिलता है, इसलिए ये लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और आपकी वेबसाइट के थ्रू धंधा ढूंढ के लाते हैं, यानी बिजनेस ढूंढते हैं और आपके लिए कस्टमर्स को चेस करते हैं और नए नए कस्टमर्स बनाते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने बात करी कि सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स कैसे आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये लोग आपका काम और कैसे आसान बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके और आपके डीलर के बीच में काफ़ी सारे मिडिलमैन होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, चैनल पार्टनर्स होते हैं, फ्रेंचाइजीज होती हैं, एजेंट्स होते हैं। ये एग्जीक्यूटिव उनको चेस करते हैं, उनके साथ फॉलोअप करते हैं, उनको तुरंत कॉल करते हैं,
छोटे छोटे सारे काम वो लोग खुद करते हैं और मेजर डिसीजंस आपके होते हैं और काम इनको करने होते हैं। इससे आप फ्री हो जाते हैं और इससे आप ऑटो पायलट हो जाते हैं। तो दोस्तों, थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पेमेंटें कैसे निकलवाई जाए। जो आपके सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आपकी पेमेंटें निकलवाने में मदद करते हैं। जी साफ सी बात है, जो भी ऑर्डर लेने जाएगा वो कभी पेमेंट नहीं निकलवाएगा, बिकॉज वो उस टाइम पे काफ़ी प्रेशर के अंदर होता है। उसको अपना ऑर्डर लेना होता है, उसको अपना कस्टमर बनाना होता है। इसलिए ही इस टाइम पर सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स आपकी कस्टमर को चेज करते हैं, उनके साथ फॉलो अप करते हैं और पेमेंटें निकलवाने में आपकी मदद करते हैं। यूजुअली ये सारा काम आप खुद करते हो। अगर ये काम आप इनको डेलीगेट करते हो तो आप काफ़ी हद तक ऑटो पायलट हो जाओगे और आप मेजर डिसीजन लेने के लिए अपना टाइम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया आपको ईए रखना है, पीए रखना है, वीए रखना है, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स रखने हैं। ये लोग आपके और भी बहुत सारे काम करेंगे, जैसे कि ये आपके वेंडर्स एंड सप्लायर्स को चेस करेंगे कि ये ऑन टाइम डिलीवरी करे, डिफेक्टेड गुड्स ना सेल करे, प्रॉपर पैकेजिंग में सेल करे। साथ में ये आपके टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, मोबाइल बिल्स, वाटर बिल्स भी सेटल करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास कस्टमर केयर होना चाहिए, सेल्स एंड मार्केट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स होने चाहिए, आपको इनको रखने से पहले ये भी ध्यान रखना है कि ये आपके ऑफिस के साइज़ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आपकी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो 2 या 3 लोग भी काफ़ी है, लेकिन अगर आपकी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो 5, 10, 200, 300, 1000, 2000 लोग। आपको पता है कि जियो और एयरटेल के पास 20 से 30 हज़ार लोग हैं उनकी सेल्स एंड मार्केटिंग एंड ऑपरेशन टीम के अंदर। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको टिप्स दी है ऑटो पायलट होने के लिए, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको बिजनेस या पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग चाहिए तो ऊपर लिखे हुए नंबर पर कॉल करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।